साथियों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्स यूनियन, आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें और विशेष जानकारी आप सबको उपलब्ध कराने के लिए तो स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और आपके भुगतान का मार्ग भी आपको पता चल सके। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक हमारी बात पहुँच सके और इस लड़ाई को, भुगतान की को हम जल्दी से जल्दी जीत सकें। लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि कुछ खास बातें आप सबको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेंगे। तो साथियों, देश में एक विशेष प्रकार की लहर चल पड़ी है आंदोलनों की, और जिससे आभास होता है कि बहुत जल्दी हिंदुस्तान क्रांति के मार्ग पर अग्रसित हो जाएगा और एक बड़ी क्रांति देश में हमको, आपको, सबको देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्रांति होगी, हालांकि बहुत सारे विषयों को लेकर के आंदोलनों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन होगा, जो सबसे बड़े समूह से जुड़ा होगा, वो आंदोलन होगा देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों का भुगतान और देश के करोड़ों निर्दोष एजेंट को प्रताड़ना से मुक्ति। ये दो चीज़ें इस क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण होंगी, इसलिए देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को, निवेशकों को, एजेंट साथियों को हमारे वीडियो को ध्यान से सुनना चाहिए। और जो घोषणा हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप ने की है कि हम 1 सितंबर 2024 सुबह 10 बजे से समूचे देश में एक साथ राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सरकारों के खिलाफ आरंभ करेंगे, क्योंकि सरकारों ने देश में भुगतान की गारंटी का कानून बन जाने के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात, हाई कोर्ट के आदेशों के पश्चात और भी तमाम आदेश आ जाने के बाद देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया है। ये भुगतान दशकों से लंबित है, कभी सेबी लंबित कर लेता है, कभी सीआरसी लंबित कर लेता है, कभी कोई लिक्विडेटर तो कभी कोई और कमेटी। भुगतान नहीं होता, इस पीड़ा को ख़त्म करने का समय साथियों अब आ चुका है, और हमें 1 सितंबर 2024 से अपने अपने क्षेत्र की तहसील मुख्यालय, कलेक्ट्रेट जहां कलेक्टर, डीएम, डीसी वगैरह बैठते हैं, वहां मिनी सचिवालय भी बोल देते हैं कहीं कहीं उनको, वहां पर राज्यों की राजधानियों में राजभवनों पर, विधानसभाओं पर, सचिवालयों पर या वहाँ के मुख्यमंत्रियों के आवास पर एक साथ सत्याग्रह आरंभ करना है। अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के रूप में बाकायदा सत्याग्रह शिविर लगा करके बैठना है 24 घंटे दिन और रात, जहाँ प्रशासन ज़्यादा शक्ति करे कि वो ना बैठने दे दिन रात, वहाँ पर आप ये विकल्प चुन सकते हैं कि सुबह 10 बजे पहुंच जाएं, शाम को 5-6 बजे तक जब तक वहां रह सकते हैं रहें, उसके बाद रात को अपने घरों को आ जाएं और फिर दूसरे दिन अपना झोला डंडा उठाएं और दरी बिछा करके वहीं पर जा करके बैठ जाएं और शासन प्रशासन से रोज़ाना लिखित में ज्ञापन दे करके अपने भुगतान की और सुरक्षा की मांग करें। उस अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत, जिसे हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ये अधिकार दिया है कि यदि वो इस एक्ट के अंतर्गत
आवेदन करेगा तो उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार उसे वापस करेगी। इतनी सी मांग साथियों उनको करनी है और ये देश के प्रत्येक तहसील, कलेक्ट्रेट, राज्य की राजधानी इत्यादि इत्यादि में होना है। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि साथियों को तहसील या कलेक्ट्रेट पर न बैठने दिया जाए, राजभवनों पर या विधानसभाओं पर या सचिवालयों पर या मुख्यमंत्री के आवास पर, वहाँ साथी अपने घरों में बैठ जाएंगे। घरों से भी इस असहयोग आंदोलन को चलाना है ताकि असहयोग आंदोलन एक ऐसी विशाल ज्वालामुखी में परिवर्तित हो सके जो देश में चल रहे पूरे बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को जलाकर राख कर दे। ये जनजागरण अभियान है साथियों, देश को बचाने का मूवमेंट है, आपकी राष्ट्रभक्ति के परिचय का समय है कि यदि आप सच में राष्ट्रभक्त हैं तो इस आंदोलन में आपको सबको सम्मिलित होना होगा ताकि न केवल देश के करोड़ों नागरिकों का डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस मिले, बल्कि हमारा देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित हो। कुछ लोग हमारे इस मूवमेंट से बहुत घबराए हुए हैं, खासतौर से ठग और बेईमान तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ठग और बेईमानों के अलावा एक तबका ऐसा भी है साथियों, वैसे तो मैं उनको भी ठग और बेईमान ही मानता हूँ, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते उनको ठग या बेईमान है। वो आप लोगों को लगता है कि वो भी ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए कोई आंदोलन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, लेकिन वो कोई संगठन वंगठन नहीं चलाते, वो केवल आपके भुगतान में बाधा बनने का काम करते हैं। और जब भी कोई बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन जिसके माध्यम से आपका भुगतान सुनिश्चित हो सके हम आरंभ करते हैं, तो उनके मन में कीड़े कुड़बुलाने लगते हैं और वो भी अपनी दुकान कहीं ना कहीं खोल करके बैठ जाते हैं, कोई सेबी के सामने, कोई सीआरसी के सामने, कोई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के नाम पर, तो कोई किसी और नाम पर। साथियों इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का आंदोलन सफल हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनका चंदे का धंधा बंद हो जाएगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे, लोगों से जो पैसा उन्होंने लिया है वो लोग उनको पीटने लगेंगे। तो इस भय से आपको भ्रमित करने के लिए, आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ऐसे बहुत सारे टपके लपके कोई ना कोई ढोंग ढकोसला करते रहते हैं, जैसा कि आज आपने एक लखनऊ में आज देखा होगा सेबी दफ्तर के सामने छोटा सा नाटक किस तरह से कुछ धूर्तों ने उसका आयोजन किया, जबकि सबको पता है कि सेबी 2012 से तो सहारा का पेमेंट नहीं कर पाया है, 2016 से पीएसीएल पल्स का नहीं कर पाया है और बहुत सारी कंपनीज़ की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दी कि आप भुगतान करो, लेकिन वो किसी का नहीं कर पाया। और परसों तो उसने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए कि लगभग 76,000 करोड़ रुपये सहारा और पीएसीएल का वो रिकवर ही नहीं कर पाएगा, निवेशकों को लौटाना तो बड़ी बात है। तो ऐसे सेबी जैसे सफ़ेद हाथी के सामने अगर कोई धरना प्रदर्शन करके आपको ऐसे वक्त पर गुमराह कर रहा है जब देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने जा रहा है आपके भुगतान के लिए, तो उन धूर्तों की, ठगों की मानसिकता को आपको समझना चाहिए। हमारे कुछ साथी भी इतने भोले हैं या पता नहीं क्या उनके मन में चलता रहता है, वो भी ऐसे ठगों की बातों में आ जाते हैं। मैं देख रहा था हमारे भी 2 जिला अध्यक्ष आज ऐसे उस मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम में, या कहें ठगों के षड्यंत्र में फंस कर उस कार्यक्रम में पहुंच गए थे लखनऊ। तो ऐसे साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि साथियों इतना भोलापन या धूर्तता ठीक नहीं है, आपने जिस भी दृष्टि से वो किया है वो उचित नहीं किया है, आप अपने आंदोलन को, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर ऐसे टपके लपकों के बातों में आकर के आप इस तथ्य को भूल जाते हैं कि सेबी आपका भुगतान 700 साल तक भी नहीं कर पाएगा, आपकी सेबी और सुप्रीम कोर्ट की जो कवायद है ये पूरी तरह से व्यर्थ है। हम बहुत दिनों से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तो कई आदेश दे चुका है ऐसे। उड़ीसा सरकार ने
सहारा सीआरसी वाले मैटर पर जो पिनाक महंती वाला केस है जिसमें 5,000 करोड़ रुपए अमित शाह ने ले लिए एसीबी से सहारा के लोगों का भुगतान करने के लिए, और बाद में वो सहारा की जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी चार के, इनके निवेशकों का लौटा देंगे 5-5, 10-10 हज़ार। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में एक एआई फाइल हुई थी, उस इंटरवेंशन पटिशन में उड़ीसा की सरकार ने ये कहा था कि हम उड़ीसा के निवेशकों का भुगतान उड़ीसा के पीआईडी एक्ट के अंतर्गत करने की अनुमति चाहते हैं, हम सीआरसी के मार्फत अपने राज्यों का पैसा नहीं दिलाना चाहते चूँकि इससे मिलेगा नहीं, इसमें व्यवहारिक दिक्कतें, साफ साफ उड़ीसा गवर्नमेंट ने कहा था ये बात। तो उड़ीसा गवर्नमेंट की बात को सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए उड़ीसा गवर्नमेंट को ये लिबर्टी दे दी थी कि वो चाहे तो अपने राज्य के निवेशकों का पैसा सहारा की जो भी प्रॉपर्टीज उसके राज्य में हों या जहां उसे दिखती हों उनको बेचकर सीज करके अपने राज्य के निवेशकों का पैसा दे सकता है। ये स्वतंत्रता उड़ीसा राज्य सहित पूरे देश के तमाम राज्यों को है। ऐसा ही मामला पीएसीएल पल्स वाले मैटर पर भी आया साथियों, पंजाब सरकार भी सुप्रीम कोर्ट गई और उसने सुप्रीम कोर्ट से ये अनुमति मांगी कि हम अपने राज्य के निवेशकों का पैसा अपने राज्य के कानून के अंतर्गत पीएसीएल पल्स की प्रॉपर्टीज़ को बेच करके देना चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान की जाए। चूँकि सेबी 2016 से अब तक लोगों का पैसा दे नहीं सका है तो हम अपना मैकेनिज्म विकसित करके स्टेट लेवल का अपने राज्य के पीड़ितों का पैसा देना चाहते हैं। पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने ये लिबर्टी दे दी, ये अनुमति दे दी कि पंजाब सरकार अपने राज्य के निवेशकों का पैसा जैसे चाहे वैसे वापस कर सकती है, सेबी पर डिपेंड रहने की या सेबी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता राज्य को नहीं है। इसी को ग्राउंड बनाकर वहाँ की भगवंत मान सरकार ने पीएसीएल पल्स की प्रॉपर्टीज़ को सीज करना आरंभ किया है। इसी ग्रांट के आधार पर उड़ीसा सरकार ने भी सहारा इंडिया समूह की प्रॉपर्टीज़ को सीज करना उड़ीसा में आरंभ किया है। तो ये दो मामले ऐसे हैं जिनसे देश के तमाम निवेशकों की समझ में आ जाना चाहिए कि उनका पैसा सेबी या सीआरसी पोर्टल के माध्यम से नहीं मिलेगा, उनका पैसा उनकी राज्य सरकारें ही उनको वापस करेंगी। और मान लीजिए कोई मामला मल्टी स्टेट है और वो फंस जाता है तो उसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट अथॉरिटी करेंगी, जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत गठित की जाएंगी। इसके अलावा अन्य कोई तीसरा विकल्प साथियों देश में नहीं है किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों के भुगतान का, इंक्लूडिंग चाहे वो आदर्श वाले हों, जेकेबी वाले हों, नवजीवन वाले हों, संजीवनी वाले हों, समृद्धा वाले हों, साई प्रसाद वाले हों, या रोज वैली, पिनकोन, या सक्षम डेरी, या एचबीएन, या विश्वामित्रा, या जीएन गोल्ड, या कैलकॉम, या गरिमा, या मैत्री, या माइक्रो फाइनेंस, या डीपीआर सलाइड, या बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइट, साइन सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल, आरएमसीएल, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैलकॉम और अल्केमिस्ट, कैमुना, किम फ्यूचर वगैरह वगैरह। आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह के पीड़ित हैं, जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं साथी, तो आपका पैसा राज्य सरकार ही देगी या केंद्र सरकार वापस करेगी। इस दो के अलावा तीसरा जो भी सिस्टम है, चाहे वो सेबी का हो, सीआरसी का हो, चाहे किसी और कमेटी का हो, लोढ़ा कमेटी, अग्रवाल कमेटी वगैरह बनाई है दुनिया भर की, या क्या बोलते हैं लिक्विडेटर का हो या एनसीएलटी वगैरह का, वहाँ से आपका पैसा नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो अब तक मिल गया होता, हमारी संसद को WhatsApp 2.0 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि आप लोगों के पास जानकारी का अभाव है, जानकारियां नहीं हैं, आपके बीच के ही ठग आपको इतना भ्रमित करते रहते हैं कि आप उन सब की बातों में आ जाते हैं, और जो एक मूमेंट, एक आंदोलन
सही के रास्ते पर चलते हुए आपको बनाना चाहिए, उसको नहीं बना पाते हैं, आप अपने ध्यान को भटका लेते हैं। जबकि सबको पता है कि जो आदमी आज वहाँ लखनऊ में सेबी ऑफिस पे धरना दे रहा था, हालांकि आप समझदार हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ, चूँकि 15-20 ही लोग थे, वरना तो लखनऊ में हज़ारों की संख्या इकट्ठी हुई है, हमने भी 2-3 बार कार्यक्रम किए हैं, लेकिन 15-20 लोग ही अगर पहुँचे हैं वहाँ, तो वो आपकी जागरूकता की निशानी है कि आप पहचानने लगे हैं कि देश में कौन लोग आपके भुगतान के लिए लड़ रहे हैं और कौन ठगी का धंधा कर रहे हैं। और उसको तो अच्छी तरह से पहचानते हैं आप दोनों तीनों को, जिन्होंने आज का ये जो कार्यक्रम रखा था, चाहे वो कौन सा गर्ग है, वो हो जिसने आगरा में पल्स की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा रखा है, खुद अपनी एक कंपनी बना रखी है, दूसरी पूंजी स्कीम चला रहा है, चाहे वो टपका वाला हो, क्रिप्टो करेंसी वाला चोर, या कोई दूसरा हो, वो PPS सेठी का चेला, गुर्दा चोर का, इन सब के विषय में आपको अब जानकारी हो गई है, इसीलिए आप बहुत कम तादाद में इनके पास जा रहे हो। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष 2-2 पहुंच गए, ये बड़ी दुख की बात है कि जो दिन रात हमसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं चीज़ों को, वो क्यों उसमें पहुंच गए? या तो वो हमको धोखा दे रहे हैं, या स्वयं को धोखा दे रहे हैं, या अपने निवेशकों को धोखा दे रहे हैं, या दोनों खानों पर पैर रख करके ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने निवेशकों के साथ कोई छल कर रखा है, लोगों का पैसा लेकर के कंपनीज में जमा न करके खुद खा गए हैं, इसलिए उनको डर लगता है, तो उनको ऐसे टपके लपके भी ब्लैकमेल कर लेते हैं, और वो भय के कारण इनके कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आगे से ऐसी गलतियाँ न दोहराएं, और 1 सितंबर 2024 के कार्यक्रम की संपूर्ण तैयारियां करें पूरे देश भर में, और इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के सामने निश्चित रूप से न मोदी सरकार टिक पाएगी, न किसी राज्य की सरकार टिक पाएगी, आपका सबका भुगतान हो जाएगा, बस आपको घरों से निकलने भर की देरी है। तमाम साथी अपने अपने निवेश के कागजात की फोटोकॉपी लेकर के इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह शिविरों पर 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से पहुंचना आरंभ हो जाएंगे, और हमारे जो पदाधिकारी गण हैं, वो तमाम निवेशकों को, एजेंट साथियों को साथ लेकर के अपने अपने क्षेत्रों में प्रभात फेरी भी निकालेंगे, ताकि दुनिया व्हाट्स एक्ट को जान सके, भुगतान की गारंटी को, अधिकार को जान सके, और जो लोग अपना पैसा डूब जाने के बावजूद आज भी किसी को बता नहीं पा रहे, उन्हें भी पता चल सके कि उनका पैसा मिल जाएगा, डूबा नहीं है, अगर वो इस रास्ते पर चलेंगे तो इस काम को तमाम साथी करेंगे। तो हमारे साथियों ने दोस्तों आज बिजनौर में ज्ञापन दिया है 1 सितंबर के अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन के लिए। हमारे मास्टर वीर सिंह जी जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सरफराज उस्मानी साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, उनकी सदारत में दिया गया बिजनौर में, और उन्होंने अपने घर पे भी आज बैठक की, तमाम साथियों को तैयार किया है 1 सितंबर के असहयोग आंदोलन के लिए। इसी तरह से हमारे राजसमंद जिले में बैठक का आयोजन कर रहे हैं हमारे श्रीमाली जी साहब और दूसरे साथी, और 25 अगस्त को वहाँ पर एक विशाल बैठक का आयोजन किया गया है। 25 अगस्त मिशन भुगतान भारत यात्रा की दूसरी वर्षगांठ भी है, तो इस अवसर पे तो देश भर में सभी जगह आयोजन आपको सबको करने हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, केक भी काटना है, चाहे 100 ग्राम 50 ग्राम का ही लाना, आजकल तो मिल जाता है, काट के खिलाइए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको 2 साल हो गए हैं लड़ते लड़ते भुगतान के लिए। और एक और बड़ी खुशी की आज बात हुई है, हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल, बहुत अच्छे गीतकार, वक्ता, आदरणीय गिरधारी लाल जी दौसा वाले, जो जयपुर में प्रवास करते हैं, उन्होंने आज संगठन को विधिवत ज्वाइन कर लिया है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूलचंद साहेब, हमारे प्रदेश संरक्षक मरमिट साहेब, और हमारे प्रदेश प्रवक्ता ब्रजमोहन योगी जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय MP शर्मा जी की उपस्थिति में, तो मैं स्वागत करता हूं प्रिंसिपल साहब का, गिरधारी लाल जी का, और प्रफुल्लित हूं कि वो आ गए हैं संगठन में, तो संगठन में एक
बड़ी जान पड़ जाएगी और उनको मैं संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान का प्रभारी भी नियुक्त करता हूँ, ताकि वो अपने ज्ञान, योग्यता और अनुभव का लाभ पूरे संगठन को देकर 1 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहे हमारे इस असहयोग आंदोलन को सफलता प्रदान करवाएं, ताकि करोड़ों पीड़ितों की पीड़ा को हम दूर कर सकें। साथियों, इसी कड़ी में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बर्वे साहब ने और दूसरे साथियों ने नासिक ज़िले में वहां के पुलिस आयुक्त को 1 सितंबर के लिए ज्ञापन सौंप दिया है, और मूलचंद साहब ने आज ज्ञापन सौंपा है, मरमिट साहब ने, गिरधारी लाल जी ने, तमाम साथियों ने आज भी। तो और एक और बड़ी खबर हिमाचल से आई है कि हिमाचल बड़ा पीछे रहता था संगठन के मामले में, लेकिन हमारी हिमाचल की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुंडल नेगी जी ने आज वहाँ बैठक की है, देखिए मुस्कुराते हुए तमाम साथियों के साथ, और वहाँ पर भी आपका झंडा बुलंद होने जा रहा है साथियों। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे अंत में कि ये हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप एक बहती धारा है, एक विचार है, युग परिवर्तन का मार्ग है, और बहती धारा को, विचार को संसार की कोई शक्ति कभी रोक नहीं पाई है, इसे भी नहीं रोक पाएगी जो हमने सामाजिक परिवर्तन का, सामाजिक न्याय का, राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राज्य रूप, राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने का स्वप्न संजोया है, एक विचार दिया है देश को, ये बहुत जल्दी फलीभूत होगा, आप सबका भुगतान होगा। घबराएं नहीं किसी भी तरह से। कई साथी बहुत घबरा रहे हैं कि साहब मेरा DM ये कह रहा है जेल भेज दूंगा, मेरा SP यूँ कह रहा है, मेरा SO यूँ कह रहा है। कुछ नहीं, ये सब नौकर हैं, गुलाम हैं आपके, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब गीदड़ भभकियाँ हैं। निकलना साथियों सब 1 सितंबर 2024 को घरों से पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ, निर्भीकता के साथ, इन सबको आपके चरणों में बिछा देंगे, और एक एक व्यक्ति को, एक एक ठग को, एक एक बेईमान को दंडित करेंगे जिसने भी आपके अधिकारों का अतिक्रमण किया है, जिसने भी अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है, जिसने भी एक सामान्य से सामान्य मजदूर का भी अपमान किया है, उपेक्षा की है। तो इस देश में ऐसे प्रत्येक शासक को, प्रशासक को, जज को, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उन सबको दंडित किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बेखौफ होकर के निकलना तमाम साथी, विजय आपका इंतजार कर रही है, आप जीतेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मिलता हूँ कल। जय हिंद, जय भारत साथी।